एलविश यादव का जो थप्पड़ कांड हुआ भाई, उस रिकॉर्डिंग माँ बहन की गाली बक्की थी, जूत पड़ेंगे भाई। और राम राम भाई, सारे भैया ने स्वागत है एक नए व्लॉग में भाई। और हम कहाँ हैं आप बता दो, हैं कहाँ होंगे हम बताओ सुबह सुबह, ठीक है ना? जो भाई रेगुलर वीडियो देखे भाई कमेंट करके बता दो भाई कि जगह बार, ठीक है ये भाई वो, ठीक है। और सुबह सुबह भाई आज सर्दी तेज़ पड़ रही है और हवा भी बहुत तेज़ है भाई, ये ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई। और आपका चाल बढ़िया भाई, नित्यक्रम करना है हमारा, नित्यक्रम है सुबह उठ के जो भी जरूरी प्रक्रिया पूरी करके रनिंग करने चाल पड़ना, ठीक है? तो रनिंग करने में चाल पड़िया है भाई, ठीक है नहीं? और सारे भैया ने दिखाऊंगा भाई रनिंग करता हुआ और सारी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ, ठीक है? और शॉर्ट वीडियो भी देखिए करो सारा भाई, चलो फिर है। तो भाई वीडियो में कमेंट आ रहे थे भाई कि एलविश यादव का जो थप्पड़ कांड हुआ भाई कल जयपुर में, तो उसके बारे में भाई आप भी बात करो। तो भाई अपना वो टॉपिक है नहीं बात करने से क्या मतलब, फिर भी अगर आपको मेरे मुंह से ही सुनना है तो सुन लो भाई। हम भाई टू द पॉइंट बात करेंगे, घुमा फिरा के कुछ नहीं करेंगे। एक कल से यूट्यूब पर एलविश यादव नाम से कोई वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है और वो एलविश यादव की लग रही है जब सुन रहे हैं तब, तो उसमें वो बोल रहा है कि उस व्यक्ति ने जिसको एलविश यादव ने थप्पड़ मारा था उसने निकलते हुए पीछे से माँ बहन की गाली बक्की थी। वो पर्सनली एलविश को बकी थी या पता नहीं किसको बकी थी, वो एलविश कहता है कि मुझे ही बकी थी और इस वजह से मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया भाई। कि हमें मुँह से जवाब तो देना आता है नहीं, हम तो फिर अपने हिसाब से जवाब देते हैं भाई, ठीक है? उसका कहना भी सही है भाई, माँ बहन की गाली बकोगे तो कौन रहेगा भाई, और माँ बहन की गाली बकी तो, और उसके साथ में भाई पुलिस वाले भी थे और कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी के आदमी भी थे, वो क्या लगता है भाई है या फिर रियल घटना है कमेंट करके। और तो क्या, अगर माँ बहन की गाली बकी है उसने और एलविश ने मारी है तो मैं तो कहता हूँ भाई एकदम सही मारी है, ठीक है ना? किसी व्यक्ति के लिए अपनी माँ बहन से बड़ा कोई नहीं, ठीक है ना भाई? अपने परिवार से बड़ा, और बिना फालतू आप फोटो के चक्कर में किसी को गाली बकोगे तो फिर जूत पड़ेंगे भाई, और कुछ नहीं, ठीक है ना? ऐसी बात है भाई। और एक बात और है भाई, सुन लो वो भी, एलविश यादव का भाई कल वाला वीडियो देख लेना जयपुर मीटअप वाला, ठीक है ना? उसमें वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बोल रहा है उस ड्राइवर को कि भाई अपने को चक्का जाम करना है, पुलिस किस लिए लग रखी है, पुलिस मार रही है लाठियाँ, ठीक है ना? जो भी उसके सपोर्टर वगैरह जो भी गए थे उनको मार रही है पुलिस, तो मार रही लाठियाँ भाई हैं। और वो कह रहा है गाड़ी धीरे करके चला, भीड़ आएगी। बस यही देखना था भाई आप सबको, हैं? जो भी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं बेरोजगार युवा आपके उकसाए हुए, जिसके हाथ में रोजगार होगा ना वो वहाँ फोटो लेने के लिए ना आपके पीछे गाड़ियों के पीछे तो नहीं दौड़ेगा, पक्की बात है भाई, ठीक है ना? और सभी चाहते हैं भाई कि फेमस होने के बाद में सारे हमारे साथ आए और फोटो खिंचवाए, ठीक है ना? पर आप पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसको जूते मरवाओ और अपना वीडियो बनवाने के चक्कर के में अंदर किसी बेरोजगार युवाओं को आप लाठियां पड़वाओ पुलिस की, ये भाई गलत है सरासर, ठीक है ना? वो भाई समझने वाले समझ जाते हैं और नहीं समझने वाले फिर वो लाठियां खाते हैं वहाँ जा करके, क्या निकल जाएगा आपको जयपुर जाम करके, क्या दिखाना चाहते हो आप हैं? क्या हो भाई आप, कोई गाड़ी के आगे नीचे साथ में दौड़ रहे हैं बिना हेलमेट पहने हुए, बाइक वाले चल रहे हैं आपके साथ में, कौन सा आप कानून का ध्यान रख रहे हो और कानून को पूरी तरह हाथ में आप ले रहे हो? उसके बाद में कोई अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपका पिछली बार अलवर बह रोड में मीटअप हुआ तो उसमें एक स्विफ्ट एक्सीडेंट हुई थी भाई, ठीक है ना? उसका क्या हुआ पता है किसी को? क्या कोई मरमुरा जाएगा और आप तो निकल जाओगे वहाँ से,
पुलिस भाई सेफ्टी के लिए करती है, और फिर आप बोलते हो गाड़ी धीरे चलाओ, यहाँ जाम करना है, चक्का जाम करना है, आपकी वजह से कितने लोगों को परेशानी होती है आपको पता है? हैं? तो इसलिए भाई समय रहते संभल जाओ और अपने काम पे ध्यान दो, इनके पीछे फोन लेके और कैमरा लेके दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो फिर है, इतना ज्ञान बहुत है भाई, और आप हमने रनिंग करने चाल बढ़िया भाई, जो सही है इन भाई आप तो हमेशा सही कहवाना, ठीक है ना? और जो गलत है वो गलत है, सीधा हिसाब है भाई अपने पास, ठीक है? आप की कोई किसी में भाई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना कोई विरोध भाव है, जो सही बात है वो दिखी हमें, वो आपको बता दी भाई, ठीक है ना? चल फिर पहुंच गए भाई अपने ग्राउंड पर, हम यह देख लो भाई, आज सूर्यदेव भगवान आ चुके हैं, लेट हो चुके हैं भाई हम, ठीक है ना? कोई नहीं भाई, अभी 25 मिनट गिर नहीं लगा, ख़त्म कराँगा भाई, ठीक है ना? हमने रनिंग शुरू की भाई यार, 25 मिनट रनिंग करेंगे आज, ठीक है? ले भाई 25 मिनट में 13 राउंड तो भी भाई बहुत धीरे धीरे दौड़िया, तो भी भाई कंप्लीट कर दिया, ठीक है? और लास्ट वाला राउंड भाई 1 मिनट और 15 सेकंड में कंप्लीट करियो 400 मीटर को, ठीक है? नहीं हवा बहुत तेज है भाई, बिंग वजह दौड़ने में प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि विपरीत दिशा में दौड़ा नहीं, बिंग वजह हवा को फोर्स लागे भाई आप ऊपर, बिंग वजह दुगुनी एनर्जी खर्च हो जाए, ठीक है नहीं? यह एक्सरसाइज कंप्लीट करके भाई हम चाल पड़े थे वापस घर की तरफ, और वीडियो अगर भाई सारे भाई लगे बढ़िया तो वीडियो करो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिला इसकी बढ़िया वीडियो तो बोले बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बोल शंकर भगवान की जय।